नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी गाना का जो फीलिंग रहता है उसको बांसुरी में कैसे निकालें। तो दोस्तों, फीलिंग का मतलब है कि जैसे कि कोई गाना प्ले करता है तो देखते आप, मतलब कि सोच इस तरह आप बजाने लगते हैं। जैसे मैं अभी, चलिए केसरी सॉन्ग ले रहा हूँ। तो केसरी का जो गाना है, तेरी मिट्टी, तो इस तरह का ये फीलिंग तो कुछ हुआ नहीं। ये जैसे मन तैसे हमने बजा दिया, और फीलिंग किसको कहते हैं वो बताते हैं। अभी देखिए, ये हुआ फीलिंग। तो दोस्तों, इसको कैसे निकालते हैं अपने गाने में? दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि कुछ जो मैं बताऊंगा उसका अभ्यास आपको कर लेना है। तो थोड़ा जैसे कि कुछ मैं अपने से खुद निकालने का प्रयास किया हूँ दोस्तों। ये जैसे कि ये होता है, ये सा 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 सा, ये नी नहीं बुलाएगा। मतलब कि जैसे आप, ये है सा, तो ये दाब दिया तो नी हो गया, ये नहीं होगा दोस्तों। सा 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 सा, मतलब सा को ही बोलेंगे, लेकिन सा में तंकार नहीं लगाएंगे, सिर्फ उंगली टच करेंगे। तो इसको क्या होगा, तलवारों पे सर, इसी तरह का कुछ है। तला, मतलब देखिए, आपको गाना में थोड़ा थोड़ा कहीं महसूस हो जाएगा, इसमें नहीं, इसमें तंकार नहीं लगेगा, इसमें खुद से कुछ निकालना है। जैसे इस तरह का। तो दोस्तों, इस तरह का ये होता है फीलिंग निकालना गाने में। तो इस तरह का जब आप कीजिएगा ना, देखिए कितना अच्छा लगेगा सुनने में, आप देखिएगा। तो और ये एक होता है क्या, तुरंत उठा लेना, तलवारों पे सर। ये जो स्पीड चलाते हैं उंगली ना, जब आप, मैंने और एक वीडियो में बताया था कि जो उंगली को स्पीड कैसे चलाएं, तो उस वीडियो को लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पर, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप पहले मेरे सारे वीडियोस नहीं देखें तो वो भी देख लीजिएगा, ताकि आपको और भी समझने में परेशानी ना हो। तो इस तरह का फीलिंग आपको निकालने के लिए और भी क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसका अभ्यास आपको कर लेना। देखिए, इस तरह का आपको सा इस तरह उठाना है, सा इस तरह का आपको सब प्रयास करना है। और इसको ज़्यादा गाना में जितना मिक्स कर पाइएगा, उतना दोस्तों गाना बहुत अच्छा होगा आपका। जितना आप गाना में, जौन सा गाना आप निकालना चाहते हो उस गाना में, जितना आप इसको अटैच कीजिएगा उससे, उतना अच्छा गाना बजेगा। मैंने बहुत सारा गाना, और दोस्तों एक दो को गाना में क्या होता है, थोड़ा सा नीचे से ऊपर जाता है, नीचे गया फिर नीचे, नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे। तो उसके जैसे, और थोड़ा हाई से नीचे जब जैसे ऐसा आता है ना, इस तरह जब होता है, तो आप क्या कीजिए उस टाइम गाना में, मतलब इसमें लाइए कोमल, पहले पहले फुल बजेगा फिर कोमल बजेगा, जिस तरह आपको मैच करता है उंगली में। जैसे अगर हम ग कोमल ला के और फिर इसमें रे में बंद करें, तो देखिएगा एक अलग सा फीलिंग आता है। देखिए आपको सिखाते हैं, जैसे देखिए अलग से आया। और अगर इसको सीधा हम बंद कर देंगे, ग रे कर देंगे, तो देखिए कैसे आता है, इस तरह आया। और इसको अगर ग फिर कोमल ग फिर कोमल री, उसके बाद री, ये देखिए, इस तरह आप प्रयास कीजिएगा। और जो रहता है अपना गाना का, तो मैंने वो बताया था, उस वीडियो को मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जितना सारा वीडियो है, ज़्यादातर का डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा। तो दोस्तों, वहाँ से मेरे हर एक वीडियो को देख लीजिएगा, और आई बटन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह गाना का फीलिंग निकाल सकते हैं। और गाना का फीलिंग दोस्तों, ये कोई ये नहीं है कि इसका कोई ट्रिक है दोस्तों, इसको आप बजाते 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 बजाते
आपको गाना जब आपका मन में बैठेगा, मन में बैठेगा तो बांसुरी में उतरेगा, ये मैंने पहले भी बताया है दोस्तों, यही है सिंपल। अगर आपके मन में कोई भी गाना बैठ गया ना, तो उसको आप गुनगुनाते गुनगुनाते आप कभी भी बांसुरी बजाइएगा, लगभग आपको 6 महीना तो बजाना होगा ही, नहीं तो उससे तो मतलब और आएगा नहीं, गाना आपके मन में नहीं आएगा। गाना मन में आया तो एकदम अच्छे से तो बांसुरी में ज़रूर उतरेगा गाना, ये मेरा आपसे कहना है। और दोस्तों मेरा भी इसी तरह, मैं भी पहले बहुत प्रयास करता था बहुत निकल जाए नहीं निकलता था, लेकिन अब से कुछ दिन से मेरा गाना बहुत अच्छा से निकलने लगा है। ज़्यादातर गाना में ये जो केसरी का गाना है, ये मैंने कहीं से नहीं देखा है दोस्तों, मैंने खुद से निकाला है ये गाना। आप मेरे आई बटन में लिंक मिल जाएगा केसरी गाना का, तो उसको भी देख लीजिएगा आप दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, पसंद है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और मैं रोज़ाना ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।